नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। गुजरात में एक बार फिर भूपेंद्र के हाथ सत्ता की कमान सौंपी गई है, और हो भी क्यों ना, भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और कहा भी यही जा रहा है कि जो सीएम नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए वो पीएम मोदी ने कर दिखाया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह, 27 साल बीजेपी का अखंड राज, नरेंद्र के भूपेंद्र ने ली शपथ, दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कानू देसाई ऋषिकेश पटेल ने ली शपथ। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद आयोजन किया गया शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने दिग्गजों का जमावड़ा लगाया, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की। इसके साथ ही कई राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचंड जीत के शपथ ग्रहण के साक्षी बने। वहीं अगर बात की जाए मंत्रियों की, तो एक बार फिर आलाकमान ने भूपेंद्र पटेल के हाथों गुजरात की कमान सौंपी। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। इसके साथ उनके कुल 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कनुभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलुभाई बेरा, कुबेर डेंडोर, भानुबेन बाबरिया ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। हर सांगवी और जगदीश विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। इस बार की प्रचंड जीत से एक पहलू निकलकर सामने आता है। गुजरात में पीएम मोदी ने वो कमाल कर दिखाया है जो सीएम मोदी नहीं कर पाए थे। इसके लिए इस बार बीजेपी की जीत के आंकड़ों पर गौर करना होगा। बीजेपी ने 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। राज्य की 182 सीटों में से 156 सीटों पर कमल खिला है। गुजरात में ये किसी भी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। राज्य के करीब 86% सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। बीजेपी को पिछली बार से 57 सीटें ज्यादा मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल आज भी पॉपुलर है। पीएम बनने के पीछे भी गुजरात मॉडल का अहम योगदान रहा है। यही वजह है कि 27 से गुजरात में बीजेपी का राज रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।